नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा। मैं हूं आपके सारे पढ़ाई। इस वक्त मैं वीडियो हॉस्पिटल इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूं। आपको बता दूं, चाचा चौक बाबा सब्जी मंडी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक परिवार रहता था, लेकिन एक बच्ची है जिसने जो है फांसी लगा ली है, लेकिन परिवारजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। क्योंकि जब परिवार के लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर सामान बिखरा हुआ था, चुन्नी से लटकी हुई थी, और परिवार का आरोप है कि चुन्नी जो है वो खुद नहीं लगा सकती, क्योंकि पंखा भी था, पंखे में उसने चुन्नी नहीं बांधी, उसने गाटर जो पटिया होती है उस पर बांध रखा था, और वहाँ पर उसका हाथ जो है नहीं पहुँचता। परिवारजन जो है न्याय की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है। एक बार आइए जानते हैं परिवार। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? फरीदाबाद। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद। पूरा मामला यही, जब मैं 9 बजे 9:30 बजे फरीदाबाद मैंने गेट को पहले तो दवाई लेके आई थी, दवाई लेके आई, फिर उसको मैं ऊपर आई, फिर मैंने गेट को बजाया फरीदाबाद में। आंटी मम्मी को लगाना, कोई ना कोई मम्मी ने, फिर आंटी ने फोन लगाया मम्मी को, जिस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे पर देर हो गई, जगी नहीं रही, सोई जा रही है। फिर कहा उसने ये सो गया और आज वो सो गई। फिर मैंने कहा जल्दी आ जाओ यहाँ पे, गेट खुलवाना है। फिर वो आई, मम्मी आई, मम्मी ने 2-3 आवाज़ मारी लेकिन सुनाई नहीं देते। फिर दीवार है ना उधर से चढ़ने के लिए रास्ता है, हल्का सा बगल वाली छत है, जो बगल वाला घर है ना, तीसरी मंजिल पे एक कमरा है। अच्छा, तो रात को उसके बगल वाले घर पे भी मतलब लाइटिंग बाथरूम बजी, उसकी छत है, साइड से ये गया मेरे भाई। तो कमरे में जाने की जगह थी थोड़ी सी? हाँ, दो गेट थे ना, एक रूम है। अच्छा, दो गेट रूम थे। जो मेन वाला था वो तो बंद था, जो दूसरा गेट था वो बगल वाले घर की छत से मिलता है। जो मेन वाला था वो तो बंद था, जो रेलिंग वो खुला हुआ था, अंदर से उसमें कुंडी नहीं थी? नहीं। अच्छा, पूरा गेट ही खुला था, इतना सारा जो मेन वाला था उसकी तो लग रही थी, जो उधर वाला था उसकी नहीं लग रही थी कुंडी। 10:10 बजे के आसपास की बात चले गई। अच्छा, मतलब आप कितने बजे आते हो जॉब से? मैं वैसे तो 9 बजे आती हूँ, कल तो लेट हो गई थी मैं, इसलिए थोड़ी देर कस्टमर आ गए। कोई नहीं था। वैसे कौन कौन रहता है वो समय? ये कर रही थी मम्मी जॉब से आई थी 6 बजे, तो मम्मी खाना पीना बनाने लगी, उसके बाद मम्मी ने 2 पराठे बनाए, फिर आज की खा रही थी, आज की खाने के बाद आज की फिर बनाने लगी, फिर मम्मी खाने लगी। फिर आज की ने बोला मम्मी आप मौसका पे चले जाओ, बर्थडे में जाना है, कथा भी उनके यहाँ पे। तो आज की ने ऐसा बोला कि मम्मी जल्दी आ जाना, फिर दीदी आ जाएगी, फोन चलाने लगेगी, फिर मुझे ही फोन चलाना है। मम्मी चली गई, उसके बाद मतलब खाना भी खाया है और मम्मी को भी खिलाया, कोई भी नहीं थी। फिर मम्मी से कहा उसने दीदी आएंगी गरम गरम पराठे बना के खिलाएंगे मुझे साथ में ही, साथ में साथ ही बना देंगे। खाने का टाइम हो रहा था, चली थी होगी, मेरा पराठा एक बन चुका था, दूसरे बना आइटम है चिमटा कहीं, रुमाल कहीं, और वो कहीं सामान नीचे बिखरा हुआ था या फिर रखा जैसे रखा रहता है वैसे ही था। आटा बटा आपने देखा तो कुछ बच्चे? नहीं, मैंने देखा, तो कुंडी खोली थी जब सामान बिखरा हुआ था ऊपर कमरे में। क्या दिखा आपको, मतलब क्या देखा था आपको, कोई वहाँ पर दिखा? वैसे लटकी हुई थी, ऐसे लटकी हुई थी। अच्छा, मतलब रस्सी पकड़ के वो लटकी हुई थी। किस पर लटकी थी, रस्सी पे कि चुन्नी? चुन्नी पर चुन्नी लटकी हुई थी। हाँ। अच्छा, लंबी थी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग बता रहे कि ऊपर छत जाए आप लोगों का, तो नीचे इतना लंबा लटक भी तो नहीं सकती, इतनी हाइट भी नहीं थी उनकी। छत बहुत ऊपर थी, हाथ पहुंच सकता था, कुछ सामान था ऐसे रखने का? मेरी बहन की लड़की थी, मेरे डब्बा रखा था इतना बड़ा, उसमें चढ़ के हर हर नहीं नहीं आई, पता नहीं क्या नहीं हो गया, वो सोफे के रख दिया गया था, उससे कल ही नहीं आई, पूरे दिन रात रहती थी मेरे पास, उसको हमारा हाथ पहुंच ही नहीं सकता बिल्कुल भी। अच्छा, व्यवहार कैसा था उसका बच्ची का? बहुत अच्छा था, व्यवहार अच्छा व्यवहार था। घर में कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं, आप परिवार के लाड़ भैया की साड़ी मेहंदी पे पहनूंगी, हल्का बड़ी साड़ी लेके आई थी। अच्छा, किसी पे शक किया कुछ ऐसा कि भाई किसी ने कुछ किया हो या कोई घुसा हो मकान में? दोस्त वगैरह वो दुकानदार सामने वाले लड़के वो सब भाग गए, लोग आते जाते हैं। नीचे कौन रहता है? नीचे जो उनके अंकल रहते हैं ना, जो जिनके घर में रहते हैं हम, उनका लड़की की दुकान है, उनपे मकान वाले बोल रहा है चुप हो जाओ, देखो पुलिस को मत बताना। और जब हम लोगों ने कहा तो उन्होंने बोला कि देखो हमने देखा आके,
पर उन्होंने नहीं देखा। हम रात भर तड़पते रहे, मकान मालिक का क्या फर्ज नहीं बनता? अब मकान मालिक का है, मकान मालिक आए हैं आपके साथ बोल रहे की चुप रहो, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग? पुलिस ना आ जाए, चुप हो जाओ, पुलिस ना आ जाए। मकान मालिक ऐसा बोल रहे की चुप रहो, पुलिस ना आ जाए, पुलिस ना आ जाए। और मकान मालिक ने निकाह नहीं दिया। सवाल नहीं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, हमने बोला, और जो हमने बोला आप देखने भी नहीं आए, मेरी बच्ची चली तो बोले कि हम आए तो थे देखने, लड़ने का मतलब हम पे आ गई हो, हमने कि आप ऐसा मत बोलो, हमारी बच्ची चली गई है। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से?